رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممنون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالسخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا بعدي صلوات عليه محمد وعلى آله صل على محمد وعلى آله رضاني گرامی معزز سامعین اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت اور میری عترت ہے ما ان تمسکتم بہما اگر تم ان دونوں سے جڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جاؤ مسلسل آپ اسی حدیث شریف کے ذیل میں اہل بیت اور قرآن کے سلسلے میں چند باتیں سنتے آ رہے ہیں میں ربط کلام کے لیے بس کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ تھوڑی بات ہماری اور آگے بڑھنا چاہیے قرآن اب ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں آج بھی کل میں نے کہا تھا آج بھی جب آخری وقت رسول تھا اور اللہ کا رسول قلم اور دعوت مانگ رہا تھا روشنائی مانگ رہا تھا تو لوگوں نے کیا کہا حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے اتنے زمانے کے بعد آج بھی کہہ رہے ہیں اچھا دلیل سن لیجئے ان کی تاکہ یہ جو بات ہماری مجلسوں میں ہوتی ہے کہ قرآن اور اہل بیت اس کے پیچھے راز یہی ہے کیوں اتنا تکرار کرتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت قرآن اور اہل بیت ہے نا ایک سوال بھئی ایک آدمی کسی بھی عقل مند آدمی کے سامنے ایک بار بات کہہ دیجئے بھئی قرآن اور اہل بیت بات ختم ہو گئی لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ جو قرآن اور اہل بیت بار بار کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک راز ہے وہ راز یہ ہے
कि जिस तरह रसूलुल्लाह जब जा रहे थे और ये कह रहे थे मुझे एक कलम ला कर दे दो, रोशनाई लेके दे दो, ताकि मैं तुम्हारी हिदायत का ऐसा इंतज़ाम कर दूँ जिसके बाद कोई चांस ना हो गुमराही का, कोई मौका ही ना हो गुमराही का। तो जानते क्या कहा? कहा कि हमारे लिए तो अल्लाह की किताब काफ़ी है। दलील आज सुन लीजिए क्या कहते हैं, आप भी सुनिए और आप भी ताईद भी कीजिए। कुरान नूर है या नहीं? अगर आप कहें कुरान नूर है तो आपको कहना पड़ेगा हाँ बिल्कुल कुरान नूर है, इन्नहु नूरुन, बेशक कुरान नूर है। कुरान हिदायत है या नहीं? हाँ बिल्कुल कुरान हिदायत है। कुरान शफा है या नहीं? आपको कहना होगा कुरान शफावी है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, कुरान तिब्यानुन लिकुल शय, हर चीज की वजाहत करने वाली है या नहीं? कहते आप है। फिर आगे बढ़ के कहते हैं क्या अल्लाह का कलाम स्पेशल लोगों के लिए आया है? तो आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, ये कुरान तो सबके लिए नाजिल हुआ है ना। ये तो जितनी बात आप कहें, कहते कुरान नूर है, और नूर की खासियत क्या होती है? खुद उजाला देता है ना। नूर की खसूसियत क्या है? खुद उजाला देता है। हिदायत है, इसका मतलब क्या है? आपका हाथ पकड़कर अल्लाह की तरफ ले जाएगा। ये इसी तरह जब कहते हैं भाई, अब अगर शिया ये कहते हैं, अगर ये अहले बैत के चाहने वाले ये कहते हैं कि कुरान को किसी और की जरूरत है, तो उससे मानना पड़ेगा कुरान नूर नहीं है। ठीक है, अगर शिया ये कहते हैं कि कुरान को किसी वजाहत करने वाले की जरूरत है, तो हम कहेंगे कुरान खाली हिदायत करने वाली नहीं है। अगर शिया कहते हैं कि भाई हमें किसी कुरान के अलावा भी किसी चीज की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि हर खुश को तर कुरान में मौजूद नहीं है। तो ये जो दलीलें आज पेश कर रहे हैं कि कुरान काफी है, उसकी दलील ये है। ठीक है, तो अब एक वाकई कभी सवाल बड़ी संजीदगी से होता है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से इख्तलाफ नहीं है, किसी से तो हमने किसी के अब्बा की प्रॉपर्टी तो ली नहीं है जो ये बात कर रहे हैं कि भाई हम गुस्से में हैं, नाराजगी में हैं, समझ में नहीं आता, ये तो कोई बात नहीं है। हमारी और आपकी बात या हमारी हमारे दुश्मनों के साथ जो बात है वो ये है कि भाई अल्लाह ने एक किताब भेजा है और हमसे कहा है कि तुम हिदायत हासिल करो। ठीक है, हिदायत लो उससे, लेकिन अल्लाह कह रहा है हिदायत लो, लेकिन मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, आप हिदायत ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? आप हिदायत ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? आपको हिदायत मिल रही है या नहीं मिल रही है? तो आपको जवाब में कहना पड़ेगा कि देखिए, किताब जो होती है ना वो बोल नहीं सकती। कोई आदमी है जो कहते हैं नहीं किताब तो हमारी बोलती है, नहीं किताब बोलती नहीं। फिर क्या है कि किताब जो है ये कर सकती है कि आपके लिए क्या कर दे, एक ऐसा रहनुमा बता दे जो इस कुरान से नूर निकाल कर बता सके, है ना। अच्छा, आप और थोड़ा आगे बढ़ जाइए, इसी बारे में आप आगे बढ़ के भी कह सकते हैं। वो क्या कह सकते हैं कि भाई कुरान ही से पूछ ले, क्या कुरान तू तन्हा हमारे लिए काफी है या नहीं है? अल्लाह से मुखातब करके कह दे, ए अल्लाह, जिस किताब को तूने हमारी हिदायत के लिए भेजा है, जिस किताब की तूने खसूसियत दी है, करार दी है कि ये तारीकी से नूर की तरफ लाता है, जिस किताब को तूने शफा करार दिया है, क्या ए अल्लाह वो शफा हमें दे रहा है, वो हमें नूर दे रहा है? है ना, एक सवाल, वाकई सवाल है। तो फिर उसे कुरान में पढ़िए। मैं तो खाली एक दो आयतें, अगर मौका मिले तो, एक बुरी तसलसल है इस बात का, कुरान ने खुद कहा है,
سورہ بقرہ کی آیت پڑھیے. قرآن نے چار بار کہا, آخری بار جو ہے سورہ جمعہ میں ہے, والذی بعث فی الامین رسولا منہم, پاک ہے وہ ذات خدا کی جس نے انسانوں کے درمیان سے کیا بھیجا, نبی بھیجا تمہارے درمیان سے. والذی بعث فی الامین رسولا منہم کیا کرتا ہے, یتلو علیہم آیاتی, اس نبی کی خصوصیت ہی ہے قرآن پڑھ کے سناتا ہے. اب یہ یہی جملہ کہنا چاہے, قرآن شفا ضرور ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ہے نا قرآن شفا. آج آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ہزاروں بار سن چکے, بخار آئے سورہ حمد پڑھ دو, ہے ہمارے پاس روایت, حتیٰ یہ تک روایت ہے کہ سورہ یاسین مردے پہ پڑھ دو زندہ ہو جائے, کوئی پڑھ کے دکھا دے, یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے. قرآن پڑھو, بی بی خود راوی ہے کہ اگر کسی کو بخار ہے 40 بار پڑھ دو, ٹھیک ہے. اچھا اب ایک بات یاد آ گئی, یہی سن لیجئے, کبھی کبھی واقع تو قرآن نور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, قرآن شفا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, قرآن میں ہر چیز ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ اور میں جو ہے جب یہ کہتے قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ نے کس کو قرار دیا, رسول اللہ کو, یتلو علیہم آیاتی, میری آیتیں پڑھ کے ان کو سناتا ہے, انسانوں پہ آیتیں پڑھتا ہے. تو اب مجھے کوئی بتا دے جب رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اثر کیسا ہوتا ہے, ہم پڑھتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے, کوئی ہے اس کا انکاری؟ امام پڑھ دے تو مردہ زندہ ہو جائے اور ہم پڑھ دیں تو شاید وہ پتہ بھی نہیں ہلے گا. تو اب بات کیا ہے, اے اللہ تو یہ کیسی تیری کتاب ہے, نبی پڑھتا ہے امام پڑھتا ہے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے اور میں پڑھتا ہوں تو اور ہوتا ہے. تو شاید جواب میں اللہ کہے میں نے تو قرآن میں کہہ دیا لا یمسہ الا المطہرون, اس کی گہرائی تک سوائے طیب و طاہر انسانوں کے کوئی پہنچ نہیں سکتا. آپ پوچھیں گے پھر آپ نے اہل بیت کو کیسے لے لیا, کہتے ہیں یہ آیت ادھر لے لیجئے اور دوسری طرف انما یرید اللہ پڑھ لیجئے, ایک صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد پر. تو مسلمانوں سے یہ کہنے کو بنتا ہے یا نہیں کہ اللہ کے رسول نے اسی آیت کو پڑھ کے ہزاروں کو شفا دے دیا؟ آپ کہتے ہو قرآن شفا ہے, آپ بھی شفا دے دو, آپ کے لیے کافی ہے نا, تو آپ بھی شفا دو اس سے, یہ تو بڑا آسان ہے. قرآن آئے ہدایت کے لیے تو مسلمانوں میں 73 فرقے بنے کیوں؟ اگر سب ہدایت پہ ہوتے تو 73 فرقے بنے کیوں, ہے نا ایک سوال. اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ایک ہی نجات پائے گا بقیہ جہنمی. دیکھیے بہت واقع جو سوال کرنا ہے, مسلمان کہہ رہے قرآن کتاب ہدایت ہے اور یہی کتاب سامنے تو موجود ہے نا, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, آج اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے میرے بھائی, میرے دوست, میرے بزرگوں, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہمارا قرآن وہی ہے. بھلے دوسرے لوگ کہتے رہے شیعوں کا قرآن الگ ہے, یہ خالی پروپگنڈا ہے. اور اس لیے پروپگنڈا ہے کہ کہیں لوگ شیعوں کی حقیقت جان کے شیعہ نہ بن جائیں. تو اتنا پروپگنڈا کرو کہ کوئی ان کے قریب ہی نہ جائے, ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیے, اب 14ویں صدی میں, اب 21ویں صدی میں ہم رہتے ہیں, ایک 5 سال کا ہمارا بچہ سعودی آ گیا, حافظ قرآن تھا, کمپٹیشن میں شریک ہونے کے لیے, قرآن کے کمپٹیشن میں شریک. جب ان کی بات سوال کا جواب دیتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم یہی قرآن کو مانتے ہو؟ ارے میرے بھائی, پورا قرآن کا حافظ ہے
जो सवाल कर रहे हो जवाब दे रहा है, तो ये सवाल करके तो तुम अपनी जहालत बता रहे हो, है ना। लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह खुद कुरान में कहता है कि जो हमारे नबी के और हमारे नबी की बात नहीं मानता है वो इस दुनिया में भी अंधा है और आखिरत में भी अंधा ही उठाया जाएगा। ये सच्चाई है, ठीक है। तो अब एक वाकई सवाल है कि आप एक आयत को तो लेकर बैठ गए कि कुरान हिदायत है, कुरान शिफा है, कुरान नूर है, तो उसकी जरूरत क्या कुरान को किसी की। तो सीधा से सवाल है मेरे भाई, कुरान शिफा है तो ले लो, ले लो। हिदायत है तो हिदायत हुई तो 73 फिरके बने कैसे, है ना। एक सवाल, 73 फिरके बने कैसे। फिर उसी जगह पर आया है, उसी कुरान में, इसी आयत में आया सूरह जुमा की, क्या आया है, युअल्लिमुल किताबा, तिलावत ही नहीं पढ़ता, यतलू अलैहिम आयात ही नहीं है, बल्कि आगे क्या है, किताब और हिकमत की तालीम भी देता है, वो युज़क्कीहिम, और इसी कुरान से तुम्हारे वजूद को पाक व पाकीज़ा भी बना देता है, है ना। तो कुरान में ताकत है पाक व पाकीज़ा बनाने की। तो आप जरा एक बार कुरान से पूछिए कि मैं नजीस हो गया हूं, मेरे कपड़े नजीस है, मैं तुझे पढ़ता हूं मुझे पाक बना दे, है ना। ये तो आप कुरान कह रहा है ना, आप कह रहे हो कुरान पाकीज़ा बनाता है, तो बना दे, तो क्या कहेंगे। देखिए ये बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बुनियादी बचपना बचकाना सवाल है हकीकत। एक जगह कुरान ने इसी सूरह बकरा में कहा अपने रसूल के लिए, जब कहा कि यतलू अलैकुम या यतलू अलैहिम आयात ही, उन पर हमारे आयतों को पढ़कर सुनाएगा, और युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, और कुरान और हिकमत की तालीम देगा। उसी जगह आखिरी आयत में ये भी जुमला है, युअल्लिमुकुम मा लम तकुन तालमून। मेरे नबी की खसूसियत यह है, अगर वो ना बताए तुम्हारे पास कोई सोर्स ही नहीं है जानने का। अब जब यहां तक आता हूं ना मैं, तो मैंने अब तक यह आपके सामने अर्ज किया है, अभी भी अर्ज कर देता हूं। देखिए इस दुनिया में कुरान में तो सब कुछ है, वाकई सब कुछ है, इसमें कोई डाउट नहीं, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, किसी अहरे गहरे के पास नहीं है। किसके पास है, जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे अहले बैत, उनके पास सब कुछ है। दलील भी सुन लीजिए, रोज दलील सुना रहा हूं, आज भी सुन लीजिए। दलील क्या है, एक आदमी आया पैगंबर की वफात के बाद। देखिए सारे वाकयात अजीब है वाकयात, कभी कभी सोचिएगा कि ए अल्लाह, अरे तुझे सब कुछ दिखाना था तो अपने रसूल के बाद ही, पहले भी दिखा सकता था, अल्लाह पहले दिखा देता तो शायद जवाब आए कि मैं तो यही बताना चाहता हूं इंसानों को, मैं दिखाना चाहता हूं इंसानों को, मैं उनकी रहनुमाई करना चाहता हूं। क्यों, का इसलिए कि वफात के बाद जो कुछ हुआ है वो किस लिए है, ताकि वो इल्म पैगंबर की वजाहत हो सके, मोजज़े पैगंबर की वजाहत हो सके, नूर पैगंबर की वजाहत हो सके। यूं ही नहीं बता दिया है। अजीजाने गिरामी, अब यहीं आओ सुन लीजिए, एक यहूदी आ गया रसूलुल्लाह की वफात के बाद, उसने कहा अल्लाह के रसूल, मेरा बाप बड़ा मालदार था लेकिन बदमाश भी बहुत था। तो कहा मालदार था तो कहा मैं जो है उसका मजहब नहीं पालता था, यहूदी था, और तो उसने क्या किए, सारे खजाने पैसे छुपा दिया और मर गया। ए अल्लाह के रसूल, अगर खजाना मिल जाता तो मैं एक काम करता था। तो क्या काम करते थे, कि ए अल्लाह के रसूल, एक थर्ड पैसा इस्लाम को परवान चढ़ाने में लगा देता था।
कितना एक तिहाई दौलत अपनी पैसे में खर्च दे दो, और ऐ अल्लाह के रसूल और एक तिहाई क्या करता था, एक तिहाई पैसा जो है अपने लिए रख लेता था और एक तिहाई ऐ अल्लाह के रसूल आपको दे देता था। तो देखिए उसने कहा आप खजाना बता दीजिए, वन थर्ड मैं लूंगा, वन थर्ड इस्लाम की राह में खर्च और वन थर्ड। अब जब मदीने आया तो रसूल्ला का इंतकाल हो गया, रसूल्ला तो है ही नहीं। अब आए पलट के आए कि रसूल्ला के जानशीन कौन है, रसूल्ला हमें किसके हवाले करके गए। देखिए है ना सवाल कि अल्लाह के रसूल हमें किसके हवाले करके, किसी ने भाई जुम्मन के हवाले करके गए हैं, ठीक है भाई चलो उनके पास चलते। उससे भी सेम यही बात कह दिया, देखिए बाप के पास बड़ी दौलत थी कहीं छुपा के गया है, अगर आप बता दीजिए तो वन थर्ड आपको मिल जाएगा, वन थर्ड इस्लाम को वन थर्ड मैं ले लूँगा, मुसलमान प्लस बन जाऊँगा। ये तो प्लस में है ना, वो दौलत भी मिलेगी और ठीक है। तो जब उनके पास गए मैंने कहा जुम्मन के पास गए आप बताइए, तो कहा मुझे इल्म गैब कहाँ है, तुम बड़े अजीब आदमी हो इल्म गैब की बात हमसे पूछ रहे हो, मेरे पास तो इल्म गैब नहीं है। अच्छा ठीक है, तो उसने आने वाले ने कहा कि नहीं मुझे तो ऐसे आदमी की तलाश है जिसके पास इल्म गैब हो, क्यों, इसलिए कि कुरान भी गैब बताता है, ये कुरान भी गैब की बातें करता है। सूरह रोम पढ़ लीजिए, सूरह रोम पढ़िए तो इल्म गैब की बात कितनी सारी है। 100 साल के बाद मुसलमान कब्जा करेंगे मिसाल के तौर पे, और 100 साल के बाद फिर से यहूदी वहीं पर आके बैठ जाएंगे, इल्म गैब है या नहीं है। अब क्या मुझे तो इल्म गैब नहीं है, तो कहा अगर आपको इल्म गैब नहीं है तो कोई है मुसलमानों में इल्म छोड़ जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक अहले बैत। इंसान को जरूरत आ गई मैं जानू मेरे बाप कहाँ है, कौन बताएगा, है कोई आज दुनिया में तलाश कर लीजिए चिराग लेके, कह दो मेरे अब्बा की रूह से मुझे मिला दो, ये कोई नहीं कर सकता, सिवाय इमामों के कोई नहीं कर सकता। अब तारीख ने लिखा है इमाम ने कहा जाओ यमन जाओ, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, कहा चले जाओ वादी उल बरहूत यमन जाओ। तो बोला यमन मदीना और यमन, कहा यमन जाओ वहां क्या करना है, कहा वहां जाओ एक लफ्ज बताता हूं वो आवाज दो, दो कौए आएंगे ठीक शाम तक इंतजार करो, दो कौए आ गए शाम तक इंतजार करो, रात जैसे हुई अब नाम लेकर अपने बाबू का उनको बुलाओ। आप देखो ये इसके जाने में कोई तासीर नहीं है, इसके कौवा ढूंढने में कोई तासीर नहीं है। अब जब इमाम ने कह दिया जाना ये कहना तुम्हारा बाप आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, जो खुदा रहनुमाई के लिए हमें भेजता है उसकी सल्तनत खाली दुनिया तक नहीं चलती है, आलम अरवा में भी उसकी हुकूमत होती है। यह है इमाम, यह है नूरानियत, यह है शिफा, यह है तकवा, इसको हम ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं, कोई और चीज नहीं ढूंढ रहे हैं। उसने आवाज दिया शाम हुई, समेट लेता हूं जल्दी से जाने ग्रामी, शाम हुई आवाज दिया, देखा एक कोयले की तरह सियाह इंसान मेरे सामने आ गया, कोई कौन, कहा तेरा बाबू, पहचानता नहीं, कैसे तो नहीं थे जैसे आए हो, तो कैसे पहचानो, कहा बेटा तू पूछने क्या आया पहले वो पूछ ले,
पूछा किस लिए? कहो खजाना कहाँ छुपा के रखा है? क्या बेटा बहुत आसान तरीका था मेरे दरवाजे से दाखिल होगा, दरख्त है, दरख्त के नीचे मैंने छुपाया है, ताके ले लो। अब तो खजाना मिल गया, किसी को भी खजाना मिल जाए तो खुशी होता है, गम ज़्यादा तो होता नहीं है। अब खुश हो गए कि भाई पैसे नहीं गए लिया, और वापस आ रहे थे तो तारीख ने लिखा कि उसी काले इंसान ने कहा कि देखो एड्रेस बता दिया है तुम्हें, वो सामान मिल गया है, लेकिन एक बात याद रखो, जिस तरह मैंने जो है क्या किया है, मुझे जो है आपको किसी को भी एक जुमला खाली कहना है अजीजा निगरानी, और बात समेट लेता हूँ मैं। कहते देखो याद रखना, ये वादी और बरहूत आ गए, तुमको खजाना मिल गया, लेकिन बेटा याद रखना ये जिसने भेजा है ना उसी से तुम्हें नजात मिल सकती है, कोई और नहीं तुम्हें नजात दे सकता है। इसलिए बेटा जो गलती मैंने की है वो ना करना, अहले बैत के दामन को मजबूती से पकड़ ले, ये खुदा की कसम तुम्हें नजात तक लाएंगे और हर वो चीज तुम्हें अता करेंगे जो तुमको चाहिए। अजीजा ने गिरामी ये मुहर्रम उसी दस्तरखान की एक शक्ल है, जो चाहिए आपको इस दस्तरखान से मिले, बस खाली तलब करने वाला इंसान चाहिए। आप कभी सोचिए एक या अली कहने से अपाइज इंसान खड़ा हो जाए, नहीं, ये सिर्फ ताकत किसने दिए, ये अल्लाह ने उन्हें दिए। और मुहर्रम अजीजा ने गिरामी ये जो गम बनाते हैं हम, ये गम उसी दस्तरखान से फैज होने का एक बेहतरीन जरिया है। आप और मैंने आते ये आंसू में क्या ताकत है, वाकई नहीं आते इन आंसू में ताकत क्या है, लेकिन इतना तो अइमा ने हमारे कहा है एक आंसू तुम्हारी रूह को पाकीजा बना ले। अजीजा ने गिरामी बस बात समेट लिया, अब बात आइंदा आइंदा होगी। आज हम जैनब के लाल का मातम करते हैं। आप कभी सोचिए बीवी कितनी जो है गैरतदार है, बीवी कितनी शर्म वाली है और कितनी हसास है। आप जानते हैं कभी आप मक्तल जब इस लिहाज से बीवी के बच्चों की शहादत पढ़िए तो आप करबला बीवी अपने बच्चों को लाई, यहाँ तक कि आज ये जुमला तारीख मक्तल में मिलता है, बच्चों के साथ आ गई, बीवी नहीं ला रही थी, ये तो जनाबे अब्दुल्ला ने साथ किया था कि आप अकेली न जाइए, अगर वक्त आया हुसैन पे कुर्बान करने का तो इन बच्चों को कुर्बान कर दीजिएगा। अरबाब अज़ा आशूर की शब आई, बीवी ने भाई को बुलाया, पूछा भैया कल क्या ठहरी? कहा बहन सुलह का हर रास्ता बंद हो गया। कहा भैया फिर ठहरी क्या? कहा बहन कल भाई और बहन में जुदाई का दिन है, ऐ बहन तुम्हारा हुसैन तुमसे जुदा हो जाएगा, ऐ बहन अब तुम्हें कभी भाई भाई का दीदार नहीं हो नसीब होगा, कल का दिन इस तरह का दिन है। अजीजा ने गिरामी अब तारीख में मक्तल का जुमला है कि बीबी बेटों को सामने लगा के बैठ गई, ऐ मेरे नूरे नज़र, ऐ मेरे लाल एक बात बता दे। आप भी कभी सोचिए बेटा कल कुर्बानी का दिन है, ऐ मेरे लाल कल जुदाई का दिन है, मेरे लाल ऐसा ना हो कि मुझे जहरा के सामने शर्मिंदा होना पड़े। अली अकबर हुसैन के बेटे, कासिम हसन के बेटे, अली असगर हुसैन के बेटे, बेटा ऐसा ना हो कि तेरी माँ को तेरी दादी नानी के सामने शर्मिंदा, बेटा पहला काम करना मामू जान से इजाज़त लेकर
मामू पे अपनी जान कुर्बान कर देना। लो अरबाब आजा, ये कैसा मंजर था मैं नहीं जानता, और कैसा दर्द भरा रहा होगा कि रात गुजरी, छोटे छोटे बच्चे कहते थे अम्मा मामू जान से इजाजत खाली दिलवा देना, मामू से इजाजत दिला देना, हम सबसे पहले मामू के कदमों पे जान निछावर करेंगे। अरबाब आजा सुबह हुई, एक बार बीवी ने कहा बेटा जाओ देखो मक्तल सज गया है, मक्तल सज गया। दोनों बच्चे मामू के पास आए, मामू जान हमें मरने की इजाज़त दीजिए। आप तसव्वुर खाली कीजिए, आप ज़रा सोचिए, नन्हे नन्हे बच्चे, बहन के बच्चे जो मामू के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हो, मामू मरने की इजाज़त दीजिए, मामू मरने की इजाज़त दीजिए। हुसैन के दिल पे क्या हुआ होगा, अब्बास कैसे तड़प गए होंगे। अरे जिन नौनिहालों को अपने आगोश पे पाला है, इन्हें फनून जंग सिखाया है, आज उन्हीं को मरने के लिए करबला में शहादत के लिए छोड़ दे। अरबाब आजा मैं कैसे इस बात को बता सकता हूँ, कैसे उस दर्द को बयान कर सकता हूँ, कोई नहीं बता कर सकता है। हाँ अरबाब आजा दो जुमले और सुन लीजिए। हुसैन उन बच्चों को सामने लिए हुए हैं, हुसैन के सामने वो बच्चे हाथों से को फैलाए हुए कह रहे मामू हमें मरने की इजाज़त दे दीजिए। लेकिन एक वक्त आया वो बच्चों को मामू ने मना कर दिया, कहा नहीं मेरे नूरे नजर, अरे मेरी ज़ैनब का चेहरा कैसे बराबर करूँगा। अरे बेटा अगर तुम कुर्बान हो गए तो मेरी ज़ैनब बेचैन हो जाएगी, मेरी ज़ैनब दर्द में मुब्तला हो जाएगी। अरे बेटा जाओ, मैं तुम्हें मरने की इजाज़त नहीं दे सकता। बच्चे खैमे में आए, लेकिन कश्मकश देखो, अंदर खैमे में आते हैं, आनो मोहम्मद माँ माफ नहीं करेगी अगर तुमसे पहले कोई कुर्बान हो गया। खैमे में आते जाओ मामू से इजाज़त लो, बाहर आते मामू कहते हैं नहीं बेटा तुम्हें मरने की इजाज़त नहीं दे सकता। एक बार जब खैमे में आए, बीवी ने पूछा बेटा क्या हुआ, कहा अम्मा मामू जान इजाज़त नहीं दे रहे हैं। बच्चों का हाथ पकड़ा, बच्चों का हाथ पकड़ा, बीवी के सामने आ गए, बीवी की खिदमत में आ गए। आप ज़रा सोचे, बच्चों को हाथ पकड़ के मौला के पास लाई, कहा भैया आपसे कुछ कहना है, भैया एक इल्तिजा लेकर आई हूँ, भैया एक दरख्वास्त लेकर आई हूँ, भैया अब तुमने कभी मेरी बात रद्द नहीं की है, वादा करो मेरी बात रद्द नहीं करोगे, भैया बताओ मेरी बात रद्द तो नहीं करोगे ना, मेरे इल्तिजा को तो नहीं ठकराओगे ना। कहा नहीं बहन, नहीं बहन बताओ तो सही क्या बात है। कहा भैया मेरे बच्चों को मरने की इजाज़त दे दो। अरबाब आजा आप तसव्वुर करें, एक बहन मांग रही हो, वो भी वो चीज मांग रही हो, हुसैन तड़प गए का बहन ये क्या कह रही हो, अरे तुम मुझसे बच्चों की मौत मांग रही हो। एक बार का भैया, अरे मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती मेरे बच्चों को मरने के। कहा बहन आज तो कुर्बानी का दिन है, आज कुर्बानी का दिन है, हर एक को कुर्बान हो जाना है, ठीक है जाओ बच्चों अल्लाह के सराहने चले जाओ, अल्लाह की राह में सुधारो। अरबाब आजा बीवी ने दोबारा बच्चों का हाथ पकड़ा, खेमे में लाई, सजाया। मुझे नहीं पता जब माँ अपने बच्चों को सजाती हो और उसके दिल में उसके सामने बच्चा आखिरी बार खड़ा हो, अरे माँ के दिल में क्या तसव्वुर आता होगा। हाय ये जान सा चेहरा करबला में थोड़ी देर के बाद फिर कभी नहीं उठ सकेगा। अरबाब आजा अरे ज़ैनब बच्चों को तैयार करती है, एक बात कहती है मेरे लाल, अरे दो बातों का ख्याल रखना, एक तुम्हारी शुजात, तुम जाफर तैयार के पोते हो, ऐसी जंग करना कि दुश्मन कह सके कह उठे कि जाफर तैयार के पोते हैं। दूसरी बात बेटा ऐ मेरे लाल इस बात का ध्यान रखना, तुम 3 दिन के प्यासे हो, अभी तुम कमसिन हो, बेटा लड़ते लड़ते दरिया की तरफ ना चले जाना, अरे सकीना प्यासी है, बेटा असगर प्यासा है, ऐसा ना हो कि बच्चे प्यासे रह जाए और तुम अपनी कमसिनी में बेटा दरिया की तरफ चले जाओ। कहा अम्मा आपसे वादा है हम हरगिज ना जाएंगे। लो अरबाब आजा इजाजत मिली, खैमे से बाहर आए,
खैमे से बाहर आए। मत्तल कहता है, एक को आका अब्बास ने घोड़े पे सवार किया, दूसरे को आका हुसैन ने सवार किया, जाओ बेटा अल्लाह को सिधारो। एक तरफ से मैमने पर औन ने हमला किया, मोहम्मद ने मैसरे पर हमला किया, आप देखे जाफर तैयार के पोते थे, ऐसी जंग किया कि मक्तल कहता है मैमने को मैसरे से टकरा दिया, मैसरे को मैमने से टकरा दिया। अलमान अल हफीज की आवाज आने लगी, बच्चे लड़ते लड़ते बाज मक्तल कहता है औन फुरात के पास पहुंचे तो मोहम्मद को आवाज दिया, भैया देखो मैं यहां पहुंच गया हूं। अरे मोहम्मद ने तड़प के कहा, भैया अब्बा की वसीयत याद रखना, अपने घोड़े को उधर से मोड़ लो। बच्चों ने घोड़ा मोड़ा, अपने आप को कलबे लश्कर में डाला, अब ये तलवार जाफरी चल रही है, तैयार की तलवार चल रही है, जाफर तैयार की तलवार चल रही है। लेकिन कभी सोचे जिनका 12 साल 13 साल सिन हो और तीरों की बाढ़ हो, शमशीरों की बाढ़ हो, नेजों की बाढ़ हो, एक नहीं दो बच्चे हो, 33,000 का लश्कर हो, अरबाब अज़ा एक बार जख्मों से चूर हो, आवाज दिया मामू आओ हमारी मदद के लिए। अरे ज़ैनब के नौनिहालों की आवाज कान में आई, एक तरफ से आका अब्बास आगे बढ़े, दूसरी तरफ से मौला हुसैन आगे बढ़े, बच्चों की लाश उठाई खैमे में लाए। दो जुमला कहना चाहता हूँ, आप भी साहिब औलाद हो, ज़ैनब के लाल का मातम कर लेना, बीबी को पुरसा दे देना, इसलिए कि ज़ैनब ने खाली बच्चों को कुर्बान नहीं किया, अपनी नस्ल को हुसैन पे कुर्बान कर दिया है। इसके अलावा बीबी के कोई बेटा ना था, बीबी के कोई औलाद ना थी, ये बच्चे ही औलाद थे जो कर्बला में हुसैन पे कुर्बान कर दिया। हुसैन ने लाशा उठाया, एक का लाशा आका ने उठाया अब्बास ने, एक का आका हुसैन ने उठाया, गंजे शहीदा में ला के रखा, खैमे में ला के रखा। फिजा दौड़ कर गई, अरे बीबी आओ देखो, अरे तुम्हारे लाल आए, सुन सको कि बीबी ने क्या फरमाया। का फिजा जाकर कह दे वापस आने के लिए ज़ैनब ने नहीं भेजा है, जाकर आओ ना मोहम्मद से कह दो मैंने तुम्हें हुसैन का सदका करार दिया है, जाओ अपने मामू पे कुर्बान हो जाओ, ये सुनना था। अरे फिजा तड़प गई, बीबी आकर देखो तो तुम्हारे लाल कैसे आए हैं, अरे खून में नहा कर आए हैं, जख्मों से चूर होकर आए हैं, शहादत पेश करके आए। ये सुना बीबी ने, जल्दी से आई, देखा दोनों बच्चों की लाशें रखी हुई है, एक बार मुसल्ला बिछाया, कहा औनो मोहम्मद ये मां तुम्हारा मातम ना करेगी, ना तुम्हारे ऊपर रोएगी, बल्कि मैं तो शुक्र खुदा करूंगी। सजदे में सर रखा, अल्लाह तूने मेरी लाज रख ली, अल्लाह तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली, तूने ज़ैनब को सुरखुरू कर दिया, लेकिन ज़ैनब ना इन बच्चों का मातम करेगी। दो लफ्ज कहना चाहता हूँ, मजलिस खत्म हो गई। ज़ैनब कर्बला में औनो मोहम्मद का मातम नहीं करती, कूफे में औनो मोहम्मद का मातम नहीं करती, शाम में औनो मोहम्मद का मातम नहीं करती, लेकिन जब मदीने गई, औनो मोहम्मद के हुजरे में पहुंची तो नन्हे नन्हे बिस्तर देखे, तड़प गए, अरे माँ के जज्बात आंसुओं की शक्ल में बहने, आवाज दिया ओ मोहम्मद बेटा अपनी माँ को माफ कर देना, तेरी माँ तो मैं मातम न कर सकती। अल्लाह अला القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا ايام فلمين ينقلبون الهي بقت زهرا وابيها وبعلها ومنيها وسر المستولى فيها بعدد ما حاط به علمك اے اللہ ہم سب بی بی قزاداروں میں قرار فرما، ہمارے پرسے کو بارگاہ معصومین بے بیش فرما، ہمارے مولا ہمارے آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما، مومنین جہاں میں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما،
اے اللہ جو محمد اور آل محمد کا واسطہ, جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما, ہمارے اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما, ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ, اس عزا کے سلسلے میں جہاں بھی مومنین ہیں اے اللہ ان سب کی دشمنوں سے حفاظت فرما. اے میرے معبود ظالموں کے شر سے انہیں نجات عطا فرما. اے میرے معبود اسلام کا پرچم سر بلند فرما, کفر و نفاق کا پرچم سر نگو فرما. اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما, اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.